हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर एस अग्रवाल का, और हम इसमें एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था कार्य और समय, यानी कि टाइम एंड वर्क। ठीक है, चूंकि क्या था कि हमने इसमें एक बेसिक वीडियो जो है देख लिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन जो है कल सॉल्व कर लिया था, लगभग 6 क्वेश्चन तक। ठीक है ना, बेसिक पढ़ने के बाद लगभग 6 क्वेश्चन हमने क्या किया इसमें सॉल्व कर लिया है, और आगे आज देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, लाजवाब तरीके से करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि 7 नंबर। देखिये 7 नंबर क्वेश्चन क्या, आइए देखते हैं ये 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का जो 7 नंबर क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है, कह रहा है कि ए और बी मिलके किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है, तो इसके पश्चात ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है ना कि ए और बी जब मिल रहे हैं ना, ए और बी जब मिल करके इसको 8 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम डेज लिखते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बी जो है अकेला इसी कार्य को 12 दिन में करता है। मैंने आपको बताया है कि चूंकि टोटल कार्य तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, टोटल कार्य तो पता होना चाहिए। जरा एक बात, ये दिन तो हमें पता चल गए हैं कि हाँ ये दोनों मिलकर के इतना दिन में, बी अकेला इतना दिन में कर रहा है, तो जो टोटल कार्य निकल के आता है कि जब इन दिनों का हम एलसीएम निकालते हैं ना, वही एलसीएम क्या होता है, कार्य के रूप में आता है, यानी कि इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 24। ठीक है, यानी क्या होगा, 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 24 होगा, और यही संपूर्ण कार्य होगा। ठीक है, और जब कार्य आपको निकल गया तो इन दोनों की क्षमता भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी की जो टोटल क्षमता होगी वो क्या होगा, यानी इफिशियंसी जो होगा वो कार्य बटा में समय, क्योंकि आपको पता है क्षमता बराबर कार्य बटा में समय होता है, तो 8 * 3 = 24, यहाँ पे क्षमता 3 निकल गया, और यहाँ पे जिसकी क्षमता निकलेगी बी की वो 2 निकल जाएगी। ठीक है, 12 * 2 = 24। अब जरा देखिए, बी तो अकेले बी की क्षमता कितनी है, 2 है, और यहाँ पे ए और बी की क्षमता 3 दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको पता चल रहा है 1 और 2, यानी कि बी का 2 क्षमता, ए का 1 क्षमता, मिलकर उनके 3 हुआ है ना यहाँ पे। अब देखिए, जब क्या है ना, कह रहा है इसलिए, लेकिन इसके आगे आपसे कह रहा है कि बी अकेला क्या कर रहा है ना, 4 दिन इस काम को कर रहा है। ठीक है, बी जब अकेला 4 दिन इस काम को करेगा तो आपको पता है कि ये जो आपका इफिशियंसी गुणे क्या हो जाएगा, टाइम, यानी कि 4 दिन कर रहा है ना बराबर वर्क होता है। ठीक है, तो वर्क कितना निकल के आया, तो इसका जो वर्क निकल के आया 8, यानी कि बी ने तो 8 काम कर दिया है, 24 में से बी ने 8 काम कर दिया है, तो बचा काम कितना, 16 काम, और यही आपसे पूछ रहा है कि जो काम शेष बचा है उसे ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आपको पता है ए का जो समय लगेगा पूरा करने में, कार्य बटा में क्या होता है, इफिशियंसी, यानी कि क्या होगा, समय बराबर कार्य बटा में क्षमता हो जाएगा, यानी कि इसकी क्षमता 1 थी, यानी 16 दिन में क्या करेगा, ये इस कार्य को पूरा कर लेगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं यहाँ पे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए देखिए क्या है, अभी आपको ए दे रखा है, ठीक है, और बी है, कह रहा है ना कि बी की जो कार्य क्षमता है ए से 50% अधिक है, तो माना ए का अगर 100% है तो बी का क्या होगा, 150 होगा, 50% अधिक है ना, लेकिन आपको पता है ये क्या है, इनकी क्षमता है, क्या है ये, इनकी क्षमता है यानी कि इफिशियंसी है, अगर आप इसको जरा कटा करके इनका अगर आप अनुपात निकाल लेंगे तो 5 और 5 * 10, ठीक है ना, 5 * 15 = 5 * 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी जो इनकी क्षमता निकल के आई, ये यानी इफिशियंसी जो निकल के आई इनकी, वो 2 = 3 का, और आप जानते हैं कि क्षमता का अपोजिट टाइम निकल के आता है, यानी कि समय निकल के आता है। ठीक है ना, यानी ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये जिसकी क्षमता क्या होगी, कम होगी, समय अधिक लेगा, जिसकी क्षमता अधिक होगी समय कम लेगा। ठीक है, इस बात को आप समझ जाइएगा। ठीक है, लेकिन
चाहे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये टाइम निकल गया है, आप कह रहा है ना कि ये जो है ना 9 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है उस कार्य को 9 दिन में कर रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं ये तो 3 दिन में है, ठीक है, क्योंकि जो अनुपात निकल गया है वो 3 दिन का, 3 और 2 का निकल गया है। जरा एक बात बताइएगा, ये जो है वो 3 दिन में नहीं कर रहा है कार्य, ये जो है 9 दिन में कार्य कर रहा है, यानी इस 3 से कितना गुना अधिक है, तो इस 3 से 3 गुना अधिक है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम क्या कर लेंगे, इसको भी अगर 3 गुना अधिक कर लेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा, यानी जो बी है उसको 6 दिन में कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। बी कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत ही लाजवाब तरीके से, आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए जरा, कह रहा है ए तथा बी मिलकर के एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर के 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी और ए मिलकर के 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए जरा बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है ना ए और ये बी जब मिल रहे हैं तो कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, ये समाप्त कर रहे हैं 18 दिन में, ठीक है ना, कितने दिन में, 18 दिन में, ठीक है। बी और सी मिलकर के 24 दिन में, और सी प्लस ए मिलके कितने दिन में, तो 36 दिन में, ठीक है ना। ये क्या है, ये इनके डेज निकल के आ रहे हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, इनके डेज है, ठीक है ना। अब जरा बताइए कि हमें टोटल कार्य पता करना है, तो टोटल कार्य कैसे पता करते हैं, तो इन्हीं तीनों का एलसीएम जो होता है टोटल कार्य के बराबर होता है। तो जब आप इन तीनों का एलसीएम निकालेगा तो वो आएगा 72, यानी कि 72, ठीक है। अब क्या होगा, इसी से क्या होगा ना, ये इसकी क्षमता निकल जाएगी, ये इसकी क्षमता निकल जाएगी, और ये इसकी क्षमता निकल जाएगी, ठीक है। तो पहले वाले की क्षमता निकालने के लिए करते क्या है कि वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम बराबर कितना, 18 चौक 72 हो जाएगा, ठीक है, 4 निकल के आएगा। बी प्लस सी वाले का कितना है, 24 3 72 हो जाएगा, ठीक है, और ये 36 2 72। बात समझ में आई, ये क्या हुआ, इन सभी का क्या हुआ, ए प्लस बी का एफिशिएंसी और बी प्लस सी की एफिशिएंसी और सी प्लस ए की एफिशिएंसी या क्षमता कोई भी कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ना, ये तीनों अगर मिलकर के काम करते हैं, ठीक है, तीनों अगर मिलकर काम करें मेरे भाई, तो कितना दिन में ये काम पूरा कर लेंगे, ठीक है। जरा एक बात कहिए, जब ये तीनों मिलेंगे ना, इनको जब आप इधर जोड़िएगा, जब आप इधर जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 बार A है, 2 बार B है, 2 बार C है, इसलिए 2A+B+C करिएगा, ठीक है ना। जब जोड़ेंगे तो 2 बार सब निकल के आएंगे, इसलिए हमने 2 बार कर लिया A+B+C। लेकिन जब इनकी क्षमता भी तो जुड़ेगी, जब ये साथ काम करेंगे तो इनकी क्षमता भी क्या होगी, ये काउंट हो जाएगी आपस में, ठीक है ना, यानी कि 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 इनकी क्षमता हो जाएगी। अब देखिए जरा यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे 2A+B की 9 क्षमता है ना, 9 क्षमता है ना, अब क्या होगा, 2 को नीचे लेके जाइए जरा, तो A+B+C की जो पूरा जो क्षमता निकल गया है वो 9/2, और आपको पता चल रहा है ये जो है इनका इफिशियंसी निकल के आया है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए कि इन तीनों का समय चाहिए कि आखिर ये कितने समय में 72 काम को कर डालेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा में इफिशियंसी, यानी कि 9/2, ये 9 जो है ऊपर चला, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 72 × 2/9 और 9 × 8 = 72 हो जाएगा, और 8 × 16 हो जाएगा। 16 दिन में अगर ये क्या करेंगे, मिलके काम करेंगे, तो 16 दिन में कार्य को खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत ही लाजवाब तरीके से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे, और बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे अगला 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है कि वीडियो बहुत ही मैं छोटा छोटा बनाता हूँ, उसमें 10 क्वेश्चंस को मैं ऐड करता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन तक आपकी पहुंच बन सके, और आप ज्यादा वीडियो बड़ा होने से बोर ना हो सके, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा 10 नंबर, ठीक है ना। जरा देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना मेरे भाई कि ए तथा बी मिलकर के एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी सी मिलकर के इसको 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर के इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी इसे अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही लाजवाब कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, इतना आसान कंसेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, और इतना आसान और इतना बेहतरीन कंसेप्ट, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहले जो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, वो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर के 8 दिन में, बी प्लस सी मिलकर के कितने दिन में खत्म कर रहे हैं,
तो ये खत्म कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है ना, 12 दिन में खत्म कर रहे हैं और C प्लस A मिलकर के 15 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि हाँ ये क्या हो रहा है कि 8 दिन में, ये 12 दिन में, और ये क्या हो रहा है कि 15 दिन में समाप्त करते। तो एक बात आप याद रखेगा कि देखिए ये तो आपका डे निकल के आया, ठीक है, ये आपका क्या, इन सबका डे निकल के आया है, और हमें सिर्फ अकेले सी का यहाँ पे वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, हमें सिर्फ अकेले का चाहिए कि अकेला सी उसे कितने दिन में कर जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, डे पता है तो हमें वर्क निकालना होगा। वर्क कैसे निकलता है, तो इनके एलसीएम से, ठीक है ना, और इनके एलसीएम जब निकलेगा तो 120 इनका एलसीएम हो जाएगा, 120 होगा तो 15 बटे क्या हो जाएगा, इनका जो इफिशियंसी निकलेगा, इसका इफिशियंसी, इसका इफिशियंसी 15 बटे 120, ठीक है। और यहाँ पे जरा देखिएगा, 12 दहा में 120, 15 बटे 120, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकी जब इफिशियंसी निकल गई तो वो होगा क्या, जरा देखिए यहाँ पे ये टोटल पहले इफिशियंसी आप जोड़ ले। देखिए क्या है कि सी जब भी किसी अकेले का अगर आपसे पूछ रहा होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपसे सी का सिर्फ पूछ रहा है, ठीक है ना, जब भी यहाँ पे अकेले का पूछेगा तो आपको पता है कि जब सी का सिर्फ पूछ रहा है तो जिसमें जिसमें सी है उसको जोड़ करके और क्या करते हैं, जिसमें सी नहीं है उससे घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो जरा एक बात कहिए, इन दोनों में आपको सी दिख रहा है, जब आप इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2C हो जाएगा, 2C, और ये हो जाएगा प्लस ए प्लस बी, ठीक है ना, सिर्फ इनको जोड़ने पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, इसको घटा देंगे, यानी कि ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। और वैसे क्या होगा, हमने क्या किया, इनको जोड़ा है और ये घटा दिया है, यानी कि यहाँ पे क्या है, 10 में से क्या है, 8 को जोड़िए, जरा 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में से अगर 15 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 बचेगा। बस देखिए जरा यहाँ पे ये कटने के बाद क्या हुआ, 2C बचा ना, 2C बराबर यहाँ पे 3 आ रहा है, तो C बराबर 3/2, यानी जो C की अकेले की क्षमता निकल के आई वो 3/2 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जरा आप एक बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे जो पूरा टोटल वर्क है ना 120, ठीक है, टोटल वर्क 120 है, इसको करने में क्या होगा, क्योंकि टाइम क्या लगेगा इसका, वर्क बटा में, ठीक है ना, वर्क बटा में क्या होता है इफिशियंसी, यानी इसकी इफिशियंसी कितनी निकली है, 3/2, 2 को ऊपर लेके जाइएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, बटे में 3, कटेगा यहां से कितनी बार में, तो 40 बार में, और टोटल हो जाएगा आपका 80, ठीक है ना, यानी कि 80 दिन इसको लगेंगे टोटल कार्य को करने में, ठीक है, यानी जो सी है अकेला जो है 80 दिन लगाएगा, बात समझ में आ रही है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगर ऐसा कंसेप्ट अगर आपको करने के लिए एग्जाम में मिलता है तो आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर समय बच जाएगा, ठीक है, और इस समय के जो एग्जाम है उसमें हमें समय का ही क्या होता है, अभाव हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, 11 नंबर, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी उसे 20 दिन में, सी उसे 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है, बी तथा सी मिलकर के इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ के चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लगाएगा। ये इतना बोल देता है ना, इतना लंबा चौड़ा चढ़ा कर लिखता है यहाँ पे कि जो नए बच्चे होते हैं जिनको मैथ सीखना है वो ऐसे क्वेश्चन से डर के क्या होता है, मैथ को क्या करते हैं, वो मतलब बहुत ज्यादा वो भाग ले लेते हैं, ठीक है ना। आप देखिए क्या है, बहुत ही लाजवाब तरीके से, आसान तरीके से इसका छोटा कंसेप्ट में बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, कह क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन से आप समझने का प्रयास करिए कि कह क्या रहा है आखिर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ना कि ए बी जो है, ए जो है 18 दिन में, बी जो है 20 दिन में, और सी जो है उसको 30 दिन में, ठीक है ना, ए 18 दिन में, बी 20 दिन में, ठीक है, सी उसे 30 दिन में कर सकता है। अब किसको कर सकता है, कार्य को कर सकता है, तो कार्य कितना है, कार्य कितना है, तो जरा बताइए इन दोनों का ही एलसीएम क्या होगा, कार्य होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कार्य यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो जरा बताइए कार्य कितना होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कार्य कितना होगा, जो इसका एलसीएम निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 180, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है कि इनका एलसीएम ही क्या होता है कार्य के बराबर होगा, ठीक है। तो जरा बताइए ये इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, होगा कि नहीं एफिशिएंसी, कैसे होगा, तो 18 से ये 10 बार में जाएगा, ठीक है ना, ये 20 से कितनी बार में जाएगा, तो 9 बार में जाएगा, ठीक है ना, 2 × 18, 30 से कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा, बात समझ में आ रही है। यानी कि हमें क्या पता चल गया, ए की एफिशिएंसी बी की पता चल गया और सी की एफिशिएंसी पता चल गया, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है बी तथा सी मिलकर के क्या कर रहे हैं, इस कार्य को करते हैं,
किंतु दो दिन बाद वे कार्य को छोड़ के चले जाते हैं। यानी दो दिन तो इन्होंने कार्य किया है ना मिलके, दो दिन कार्य किया है मिलकर के, ठीक है ना। तो कह रहा है ना ये कार्य को प्रारंभ यही करते हैं ना शायद, हाँ कार्य को आरंभ भी करते हैं और दो दिन बाद चले जाते हैं। यानी कि बी और सी का दोनों का अगर इफिशियंसी आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 15, हो जाएगा 15 ना। बी और सी की जो क्षमता होगी जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इफिशियंसी इंटू टाइम, यानी कि दो दिन उन्होंने काम किया है तो टोटल काम कितना हुआ, तो इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर वर्क होता है, यानी कि 30 काम इन्होंने कर दिया है, ठीक है ना। बी और सी ने दो दिन में 30 काम को कर दिया है तो टोटल काम कितना बचा, 150, क्योंकि आपका कुल काम था 180, उसमें से 30 कर दिया इन्होंने दो दिन में, तो बचा कितना आपका, बचा आपका यहाँ पे 150। तो ये कितने दिनों में करेगा, तो आपको पता है कि जो ये पूरा काम है, काम बटा में इफिशियंसी बराबर क्या होता है, टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। इफिशियंसी है आपका 10, कट जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 15 दिन, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला हम देखेंगे 12 नंबर, बात समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छा और लाजवाब क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्या है 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से। कह रहा है ना ए बी सी मिल करके कार्य को 6 घंटे 4 घंटे 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिल करके इसे कितने घंटे में समाप्त करेंगे, ठीक है ना। 6 4 12, देखिए यानी कि ए 6 घंटे में, बी 4 घंटे में, सी 12 घंटे में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। 6 4 12 ही है ना। चलिए अब कह रहा तीनों मिलकर कितने घंटे में समाप्त करेंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन से, ठीक है ना। बस क्या करिए, इनका एलसीएम निकालिए, टोटल कार्य निकल जाएगा, तो टोटल कार्य कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 12, तो ठीक है 12 जब होगा तो ए की एफिशिएंसी निकलेगी तो 2, और यहाँ पे बी की कितना हो जाएगा 3, और ये सी का हो जाएगा 1, ठीक है ना। इनकी एफिशिएंसी निकल गई, जरा एक बात है, ये तीनों मिलकर के करेंगे, तीनों मिलकर करेंगे यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, जोड़िए तब तीनों का, हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, ये कह रहा है ना 12 काम 6 दिन की एफिशिएंसी हो जा रही है जोड़ने के बाद, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बटा में एफिशिएंसी यानी कि क्षमता बराबर हो जाएगा 2 दिन, ठीक है। यानी 2 दिन में क्या करेंगे, ये लोग टोटल कार्य को समाप्त कर जाएंगे। तो जल्दी से क्या करिए, 2 दिन नहीं 2 घंटे, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है ना घंटे में दिया है आपका, ठीक है ना, दिन में नहीं दिया है, तो आप घंटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए 2 घंटे में इन्होंने कार्य किया है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैं इसको रीड करता हूँ, देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे सारा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना आपसे, कह रहा है कि एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर के एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। एक पुरुष यानी कि मैन, ठीक है ना, एक औरत यानी कि वोमैन, एक बॉय यानी कि लड़का, इस कार्य को मिलकर के कितने दिन में पूरा करते हैं, 3 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे, यानी एक पुरुष इसे 6 दिन में, एक लड़का इसे 18 दिन में कार्य को पूरा करे, आखिर वो कार्य कितना है, ठीक है ना। तो आपसे लास्ट में पूछ क्या रहा है, जरा देखिए, कह रहा तो एक स्त्री इस कार्य को अकेला कितने दिन में पूरा करेगी, तो सबसे पहले तो आप कार्य निकालेंगे, ठीक है, और कार्य क्या निकल के आएगा, इन्हीं का एलसीएम जो होगा वही कार्य होगा, 3 6 18 और 6 3 18, ठीक है ना, और यहाँ पे 18 कम 18, यानी कि यहाँ पे जरा देखिएगा इन तीनों की जो आपस में क्षमता है वो पूरा 6 है, लड़का आदमी की अकेले की क्षमता यहाँ पे 3 है और लड़के की अकेले की क्षमता यहाँ पे 1 है, तो जरा आप यहाँ पे बात बताइए कि क्या हो जाएगा, अरे आदमी की क्षमता 3 लड़के की क्षमता 1, तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, महिला का क्षमता हो जाएगा, ठीक है ना, औरत का क्षमता हो जाएगा 2, ठीक है। अब जरा देखिए क्या होगा, पूछ रहा है कि आखिर वो महिला जो है वो उसकी अकेले कितने दिन में काम कर जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है कि महिला क्या है, वोमेन जो है, वोमेन का जो टाइम लगने वाला है, टोटल वर्क बटा में इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी कितनी है, 2 है, 2 9 18, यानी कि वो 9 दिन में कार्य को क्या कर जाएगी, समाप्त कर जाएगी, कौन, औरत, ठीक है। तो जल्दी से क्या करिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से कराऊंगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, कह रहा है ना एक आदमी और एक लड़का मिलकर के किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं,
ठीक है ना, एक आदमी मैन और बॉय मिलकर के क्या करते हैं कि 24 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि यदि अंतिम के 6 दिनों में अकेला क्या कर रहा है कि आदमी ही कार्य कर रहा है, तो टोटल कार्य जो हो रहा है ना वो 26 दिन में खत्म हो रहा है। बात समझ में आ रही है? देखिए क्या हो रहा था, कार्य को अगर ये दोनों मिलके करते ना तो कितने दिन में समाप्त होता, तो कार्य समाप्त हो जाता कितने दिनों में, तो वो समाप्त होता मेरे भाई आपका लगभग 24 दिन में। लेकिन अंतिम 6 दिन यानी कि 26 दिन में अंतिम 6 दिन क्या कर रहा है, आदमी कार्य कर रहा था, अभी तो 26 दिन में समाप्त हो रहा है, यानी कि 20 दिन क्या हुआ है कि ये लोग आपस में मिलकर के काम किए हैं, ठीक है ना। कौन आपस में मिलकर काम किया है, तो आदमी और लड़का 20 दिन तो कम से कम आपस में मिलकर कार्य किए हैं, तो बाकी जब कार्य करने के लिए आदमी को छोड़ दिया गया तो उसने लास्ट में 6 दिन और ले लिया, ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि 2 दिन अतिरिक्त लग गए, इसलिए पूरा 26 दिन का यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक चीज हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि जो 26 दिन में खत्म हो रहा है कार्य, यानी कि इस 24 दिन में खत्म होना था, 24 दिन साथ मिलके काम करना था इनको, लेकिन उन्होंने किया 20 दिन ही मिलके साथ काम, ठीक है ना। यानी कि टोटल 24 दिन मिलके साथ काम करना था और मिलके सिर्फ क्या किया, 20 ही दिन काम किया इन्होंने, ठीक है। जब 20 दिन ही काम किया है तो बाकी के 6 दिन ठीक है आदमी ही काम कर रहा है। अगर वो लड़का 6 दिन काम करता, लड़के की 6 दिन काम, क्योंकि हमें आदमी का नहीं पूछ रहा है, आदमी तो कर ही रहा है 6 दिन काम, लेकिन हमें लड़के का पूछ रहा है। हम कहते हैं माना कि लड़का जो है 6 दिन का काम, लड़के का 6 दिन का काम, ठीक है ना, लड़के का 6 दिन का काम 6 बॉय ले लेते हैं, ठीक है ना। और काम टोटल क्या था, एक ही था ना, एक ही काम को इनको टोटल को करना था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा कि सर आपने मैन वो क्यों नहीं लिया, क्योंकि आदमी लास्ट में काम कर रहा है, लेकिन आपसे पूछ लड़के का रहा है मेरे भाई कि लड़का अकेला कितना करेगा, तो आदमी को हटाइए ना पहले, उस लड़के को वहां पर रखिए, ठीक है। क्या कि अगर यहाँ पे लड़का होता तो 6 दिन में आखिर कितना अकेला काम, उसके अकेले की क्षमता क्या थी। देखिए जरा, 24 साथ करना था उनको, लेकिन 24 में उन्होंने 20 दिन साथ काम किया, ठीक है। और ये 6 जो बच रहा है आपका, ये टोटल 26 दिन का टाइम पीरियड लेके जाएगा, और ये टोटल काम कितना है आपका, 1 है। जरा एक बात बताइए आप, यहाँ जब कटाएंगे तो 5 × 20 और 6 × 24 यानी कि 5/6 निकला, और इसको आप उधर लेके जाएंगे यानी कि 6b बराबर हो जाएगा 1 − 5/6, यहाँ से घटाएंगे तो 1/6 आ जाएगा, और इस 6 को नीचे लेके जाएंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, 1/36, यानी कि एक काम को लड़का 36 दिन में करेगा, यानी जो एक काम था आपका ये जो आपका ये काम था, उस काम को लड़का कितने दिन में करेगा, अकेला 36 दिन में करेगा, यानी लड़के का क्या है यहाँ पे 36 दिन निकल के आ गया, यही हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, 15 नंबर, ठीक है ना। चलिए बहुत ही छोटा है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है, यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक है ना। 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करेगा, यानी कि टोटल ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि 150/7 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए कह रहा है ना, शेष भाग को, उसके पश्चात शेष भाग को वो बी की सहायता से वो क्या कर रहा है, 4 दिन में पूरा करता है, ठीक है। शेष भाग कितना हुआ, अरे जब 10 का 7 भाग यहाँ पे था तो शेष भाग 10 का 3 बचा ना यहाँ पे, यानी कि 3/10 बचा, 3/10 जो है ए जो है क्या कर रहा है, बी के साथ मिलके करता है, तो कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 4 दिन लगाता है, ठीक है ना, 4 दिन में पूरा करता है, यानी ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 40/3। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे ए की अकेले कितना था, ए जो था अकेले 150/7, ए प्लस बी जो था कितने दिन में कर रहे थे, तो 40/3 दिन। इनका एलसीएम ही क्या होगा, टोटल कार्य होगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, क्योंकि ये तो फैक्टर में है, फैक्टर में एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो मेरे भाई आप जैसा कि एलसीएम एचसीएफ पढ़ रखे हो, तो क्या होता है दोनों को जब साथ में लेके चलेंगे, जरा यहाँ देखिए मैं आपको एक बार हिंट कर देता हूँ, जब दोनों को आप साथ लेके चलेंगे, ठीक है ना, यानी कि 40/3, तो होता क्या है, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है ना। तो ऊपर वाले का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा लगभग आपका 600, क्या होगा 600 होगा, नीचे क्या है, नीचे में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, और जो कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है, कुछ कॉमन नहीं, तो एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि एलसीएम कितना निकल गया इनका, 600 एलसीएम निकल के आया, ठीक है। यानी यही क्या होगा, यही कार्य को डिफाइन करेगा, ठीक है।
अब देखिए जरा यहाँ पे जब आप इफिशियंसी निकालेंगे, एक आ निकलेगा और यहाँ इन दोनों का इफिशियंसी निकलेगा तो होगा कितना, जब आप इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 15 चौके 60, 7 चौके 28, 28 हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा, इसमें जब आप इसको भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 15 × 3 = 45, ये टोटल 45 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए, बस भाग देना यार, नॉर्मली भाग देंगे तो क्या होगा, इसकी इफिशियंसी निकल गया, यहाँ पे इसकी इफिशियंसी निकल गया। आप एक बात जानते हैं कि क्या है ना, एक इफिशियंसी इसमें कितनी है, आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ जरा आप क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, ए बी मिल करके इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। अरे यार, ए बी की जो टोटल की इफिशियंसी कितनी आ रही है, 45 आ रही है ना, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जरा देखिए यहाँ पे ये कितना है, तो ये कितने दिन में मिलकर कार्य करेंगे, तो टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क और बटा में इफिशियंसी यानी कि क्षमता, तो 15 × 3 = 45, ठीक है ना, 15 × 4 = 60, ठीक है ना, या फिर 13 × 3 = 39, एक बटा में 3 दिन लगाएगा ये दोनों मिलके काम करने में, ठीक है ना, 13 × 1 = 3 दिन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला आपका 16 नंबर, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उसको भी जरा एक बार देख लेते हैं ध्यान से, देखिए जरा क्या कह रहा है, कह रहा है ना, ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर के 3 घंटे में, ए तथा सी मिलकर के 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। ए क्या कर रहा है ना, ए जो है वो 4 घंटे में पूरा करता है, ठीक है, और बी तथा सी मिलकर के 3 घंटे में पूरा करते हैं, ठीक है, बी और सी मिलकर के 3 घंटे में पूरा कर लेते हैं, और क्या कह रहा है ना कि ए और सी मिलकर के 2 घंटा में पूरा करता है, ठीक है ना, ए और सी मिलकर के 2 घंटे में पूरा करते हैं, आखिर वो टोटल कार्य कितना था, और आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि बी का कार्य आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, बी आखिर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले कार्य निकालेंगे, कितना कार्य है, इसका एलसीएम होगा, इन सबका एलसीएम, ये क्या होगा, कार्य होगा, और यहाँ जरा देखिएगा, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12 और 2 × 6 = 12, ये क्या हो गया, इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गया, ठीक है। अब हमें करना है बी का अकेले निकालना है, ठीक है ना, बी आखिर अकेला इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो आप यहाँ पे जानते हैं ए की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ए और सी का कितना हो जाएगा, 3 + 3, यानी कि 3 अगर ए की है तो उसी में 3 क्या होगा, सी के होगा, तभी तो जुड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 6 हुआ। अब वहां अब देखिए, सी की एफिशियंसी 3 थी ना, तो सी की एफिशियंसी 3, तो बी की क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बी की एफिशियंसी 1 ही होगी ना, यानी कि उसकी क्षमता 1 ही होगी, तभी ना दोनों की मिलेगी क्षमता, तो क्या हो जाएगी, 4 होगी। अब देखिए निकल गया आपका कि बी का जो टाइम हो गया वो टोटल 12 कार्य है, क्षमता इसकी 1 है, यानी कि 12 दिन लगेंगे, यानी कि 12 घंटे लगेंगे बी को अकेला कार्य करने में, क्योंकि घंटे में दे रखा था, ठीक है, यानी कि 12 घंटे में बी क्या कर लेगा, इस टोटल कार्य को समाप्त कर लेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, बस एक छोटा सा प्रयास रहता है कि बहुत ही छोटा छोटा वीडियो बनाऊं और आपके लिए जो है सारे क्वेश्चंस को एक आसान तरीके से आपके सामने रखूं, जिससे कि आपकी एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा टाइम क्या हो सके, बच सके, ठीक है ना। तो जल्दी से आप क्या करिएगा, इस सारे क्वेश्चंस को एक नोट बना के रखिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।